वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा एमआईबी के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के बारे में कुछ अपडेट आया है जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के तहत ही किसी भी चैनल को अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग कराया जाता है। अगर आप कोई चैनल शुरू करना चाहते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो या नॉन न्यूज़ चैनल हो, तो वहाँ पे अगर चैनल आपका लोगो, उसके बाद आपके चैनल के परमिशन, सारा कुछ इम्प्लीमेंट होने के बाद एमआईबी के पास आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी, साथ ही चैनल की अपलिंकिंग फ़ी, डाउनलिंकिंग फ़ी देनी होती है। उसके बाद आपका सेटेलाइट पर एक फ्रिक्वेंसी सिंबल रेट जनरेट कर दिया जाता है, जिसके बाद आप किसी भी इंडिया के कोने में अपने चैनल्स को चलवा सकते हैं। साथ ही अगर इंडिया के बाहर भी चलाने हैं तो उसके लिए भी अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग चार्जेस अलग से देना होता है। तो ये सारे चीज़ों के लिए 2011 में रूल बनाई गई थी, लेकिन अब यहाँ पे एमआईबी चाहता है कि इस पे रूल में संशोधन किया जाए और नए तरीके से इस पे रूल बिल्डअप करना चाहता है। तो पिछले मंथ उनने 15 दिन का माहौल दिया था, जो कि 15 दिन के अंदर सभी स्टेक होल्डरों को कमेंट देना था इस पे, जो कि कल ख़त्म हुआ 15 मई को। और फिर से आज 15 मई को एक उसके तरफ से प्रेस रिलीज आया है एमआईबी के तरफ से, जिसमें 31 मई तक का समय और दे दिया गया, यानी कि 15 दिन और समय बढ़ा दिया गया है कि 31 मई तक सभी स्टेक होल्डर, सभी जो इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, जिनको कमेंट देना है एमआईबी किस तरीके से चैनल को अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग कराए या कितने चार्जेज होने चाहिए, कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में आप कमेंट दे सकते हैं। इसके बाद उस एमआईबी इस पर इम्प्लीमेंट करेगा और फिर एक नया रूल आएगा, नए रूल के तहत चैनल को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग कराया जाएगा, उसके तहत नए फी सिनेरियो सेट किए जाएंगे। सारे चीज़ें एमआईबी चाहता है फ्रेश करने के लिए। तो 31 मई तक जो भी चैनल से रिलेटेड अपना कमेंट देना चाहते हैं एमआईबी को डायरेक्टली दे सकते हैं। तो ये अपडेट आया था दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।